Hey guys, Assalamualaikum, Sasrikaal. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं. मैं हूँ रानिया. मैं हूँ रोहन. और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन. तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर. उस वीडियो का टाइटल है शराब की नफरत ने मुझे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया. तो ये कन्वर्ट रिवर्ट स्टोरी होने वाली है. तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. देखते गाइस इन बहन के मतलब लाइफ में कैसे इस्लाम आया. और इस्लाम में सबसे चीज ये बोली जाती है, सबसे मेन बात, कि आपको शराब नहीं पीना है, आपको गलत रास्तों में नहीं जाना है. ठीक है, तो शायद ये इस्लाम से इसी कारण बहुत ज्यादा मतलब मिली इनके लाइफ में आया इस्लाम और ये फिर रिवर्ट हो गए. तो पहले देखते हैं स्टोरी क्या है, फिर उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे. तो आप लोग भी वीडियो को लास्ट तक के देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. तो वीडियो को लास्ट तक के देखना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों. दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे. दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खातून के बारे में जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है. दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें शराब की लत लग चुकी है, और जो भी इस लत का शिकार हो जाता है उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है. उसकी बीवी, उसके बच्चे, हत्ता कि उसके रिश्तेदार भी उसकी इस लत से परेशान रहते हैं. लेकिन शुक्र है हमारे प्यारे रब का, जिसने हमें इतना प्यारा दीन दिया, जिसने हमें इस नापाक, इस गलीज चीज़ से बचाए रखा. दोस्तों आज हमारे वीडियो का मौजू भी यही है. जब एक खातून ने इस्लाम का ये पहलू देखा कि इस्लाम में शराब हराम है, तो वो बस इसी चीज़ से मुतासिर हो जाती है और इस्लाम को कबूल कर लेती है. दोस्तों ये वीडियो वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें. और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें. रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. एक खातून थी, वो अमेरिका में रहती थी. अमेरिका में भी मुसलमान अकलियत में, माइनॉरिटी में. वो मस्जिद जाती है वो खातून, वो कहती है इमाम साहब से कि इमाम साहब मुझे इस्लाम कबूल करना है. तो इमाम साहब पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों तुम इस्लाम कबूल करना चाहती हो? तो वो कहती है, वो बताती है अपना किस्सा कि मैं अमेरिका में एक ऑफिस में काम करती थी और क्रिसमस आने वाला था. तो हमारे बॉस ने डिसाइड किया, ये फैसला किया कि इस क्रिसमस पर हम अपने एम्प्लॉयज को इस एक लिस्ट थमा दी कि इस लिस्ट में से हम एक गिफ्ट देंगे. एक लंबी लिस्ट थी गिफ्ट्स की, उसने कहा इस लिस्ट में से कोई भी एक गिफ्ट, एक तोहफा हम अपने एम्प्लॉयज को इस क्रिसमस पर देंगे. और उस लिस्ट में था शैंपेन. क्या था? शैंपेन. जानते हैं सब शैंपेन? जानते कि नहीं? पी तो नहीं ना? शैंपेन वैसे भी पीने के लिए इस्तेमाल कम होती है, शेक करने के लिए, नहाने के लिए, उसको उड़ाने के लिए, जब कोई बड़ा ओकेजन होता है तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है. पीती पी भी जाती है, शराब है. तो ऑफिस के जितने भी मर्द थे वो ये कह रहे थे कि काश इस क्रिसमस पर हमारा बॉस हमें शैंपेन दे दे. तो उस खातून ने कहा कि लेकिन उस ऑफिस में एक और मर्द था जो पूरे ऑफिस के चक्कर लगा रहा था और कह रहा था कि मैं कोई भी तोहफा कबूल करने को तैयार हूं लेकिन मुझे शैंपेन नहीं चाहिए. उसने कहा, मैं उस मर्द के पास पहुंची और मैंने कहा, आर यू सीरियस? क्या तुम संजीदा हो? एवरी वन इन द ऑफिस, एवरी मैन इन द ऑफिस इज बेगिंग फॉर शैंपेन. हर मर्द कह रहा है कि काश इस बार शैंपेन मिल जाए, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें शैंपेन नहीं चाहिए. उसने कहा हाँ. उसने कहा, मैंने किसी मर्द को आज तक ये कहते हुए नहीं सुना कि मुझे शैंपेन नहीं चाहिए. उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं मुसलमान हूं, मुसलमान शराब नहीं पीता. उसने कहा, जैसे ही उसने ये जुमला मुझसे कहा, मेरा पूरा माजी, मेरा पूरा पास्ट मेरे सामने आ गया. उसने कहा, मेरा बाप एक शराबी था, वो रोज शराब के नशे में आता था और मेरी मां को पीटता था. मेरा पूरा बचपन नेस्त तो नाबूद हो गया था इस शराब की वजह से. मेरे मां और बाप के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस था इस शराब की वजह से.
उनके बीच में तलाक हुई, उसकी वजह भी ये शराब थी। जब मुझे पता चला कि एक धर्म है, एक मजहब है जिसमें शराब को मुकम्मल तौर पर हराम करा जाता है, तो मैंने कहा कि मैं इस मजहब के बारे में जानना चाहती हूं, मैं इस मजहब के बारे में जानना चाहूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है रिसर्च की और वो इस्लाम कबूल कर लिया उसने, सुभान अल्लाह। तो आप सोचिए कि वो शख्स अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका के ऑफिस में ही पुट इज फुट डाउन, बहुत बड़ी बात है कि मुझे, मैं शराब नहीं पीता क्योंकि मैं मुसलमान हूं। उसे ये भी नहीं पता था कि ये कहने से सामने वाली खातून के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि हम लोग इस्लाम पर चलें, इस्लाम का तारुफ अपने गैर मुस्लिम भाइयों को कराएं, उससे अवेयर कराएं, ताकि वो हमें समझें, हम उन्हें समझें, और इंशाल्लाह हम लोग फिर मिल। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था रियली। और रियली मैं देखता हूँ कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है ये सब नियम में इस्लाम में, कि अगर आपको मतलब जो भी गलत काम है वो नहीं करना है, आपको उसका पाबंद करना है, ठीक है, आपको सब्र करना है अगर कोई गलत रास्तों में जा रहे हैं तो आजकल। लेकिन आप देखोगे तो बहुत से ऐसे मुसलमान भाई भी है जो भटक चुके हैं और वो नशे की तरफ चले गए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें बताया नहीं जाता कि इस्लाम में क्या है, या वो खुद जानना नहीं चाहते, ठीक है, या ऊपर वाला उनको हिदायत नहीं देना चाहते क्योंकि वो इंसान अच्छे नहीं है, इस कारण जो भी है रीजन। तो आजकल लोग बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई है जो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो इनको ये वीडियो देखना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, बहुत सही चीज बोले। और एक चीज ये कि इस्लाम में कितनी सख्ती से ये चीज मना किया गया है, एक तो ये चीज है कि हमारे क्रिएटर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और इस्लाम की बात, ये चीज कितनी अच्छी है, मतलब जो वो एक मतलब जो उनके कलीग थे जो साथ में काम करते थे, उन्होंने बोला कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं शराब नहीं पीता, इसके वजह से वो लेडी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। कितनी बड़ी बात है, मतलब जितना भी कुछ मतलब वो चेंज करिए तो वो मर्द की वजह से है जिसने ये बोला, वो मुसलमान जो भी रहे होंगे उनके वजह से है कि वो ये चीज, उनका सच में ये जो जुमला था उनका कि मैं मुसलमान हूँ मैं शराब नहीं पीता, वो लेडी की पूरी लाइफ चेंज हो गई, वो इस्लाम के बारे में जानने लगी और इस्लाम को कबूल कर लिया। यानी कितनी बड़ी बात है। तो इससे क्या समझ आता है कि इंसान को अगर इस्लाम के बारे में दूसरों को बताना है, जरूरी नहीं है कि वो बैठ के बताए, ठीक है, वो सिर्फ खुद चेंज हो जाए ना, खुद अच्छे रास्ते पे चले तो यही सामने वाले को दिखेगा कि यार इस्लाम कितना अच्छा है। वो खुद फॉलो करना चाहिए, अगर कोई मुस्लिम को अगर अट्रैक्ट करना है इस्लाम धर्म से तो वो खुद पहले फॉलो करे, उसके बाद ही लोग जानेंगे कि हाँ यार वो खुद फॉलो कर रहे हैं, इतना अच्छे रास्तों में है तो मैं भी चलता हूँ इसी रास्ते में, क्या पता मेरी भी किस्मत खुल जाए, अच्छे हो जाए। सो गाइस, ये था वीडियो, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू गाइस।